डियर स्टूडेंट्स, हम प्रपोजल के बारे में इसका मीनिंग पहले ही पढ़ चुके हैं, फीचर्स देख चुके हैं, साथ ही साथ इसके लीगल रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं ऑफर या प्रपोजल से रिलेटेड, ये हम पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज़ नॉट प्रपोजल, यानी कि क्या चीज़ प्रस्ताव नहीं है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। There are certain communications or documents which resembles as proposals, but in fact they are not proposals. कई ऐसे communication के documents हो सकते हैं जो कि लगता है कि proposal है, प्रस्ताव है, लेकिन वास्तव में वो प्रस्ताव नहीं होते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इसमें आता है intention to put proposal, यानी कि प्रस्ताव रखने की इच्छा क्या है। तो इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ प्रपोजल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल इज टू गेट द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, वेयर एज द इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल इज मेयरली एन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन दैट ही इंटेंड्स टू ऑफर समथिंग इन फ्यूचर। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। The person declaring his intention will not be liable to the person who has suffered any loss or account of such declaration. यानी कि जो proposal होता है, प्रस्ताव होता है, उसका main उद्देश्य होता है कि दूसरी पार्टी के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर सके, जबकि इच्छा क्या है proposal रखने की, वो केवल एक expression है, declaration है by a person कि वह एक offer रखना चाहता है future के लिए। तो केवल डिक्लेरेशन कर देना, इंटेंशन इज़ नॉट मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो अ फादर रोट टू हिज इंटेंडेड सन इन लॉ दैट हिज डॉटर वुड हैव अ शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट आफ्टर हिज डेथ। हेल्थ स्टेटमेंट वॉज मेरली एन इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। प्रपोजल नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक पिता ने केवल अपनी इच्छा रखी कि भविष्य में उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो उस बच्ची की होगी। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, ए सेंट अ लेटर टू बी स्टेटिंग द टर्म्स ऑन विच ही वॉज प्रिपेयर टू डू बिजनेस एज अ फैक्टर। हेल द लेटर वॉज नॉट एन ऑफर बट ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इसी के साथ में दूसरा पार्ट इसका आता है इन्विटेशन टू प्रपोजल, प्रस्ताव रखने का निमंत्रण। अ प्रपोजल शुड ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू प्रपोजल और इन्विटेशन टू ट्रीट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कैन बी ड्रॉन एज अंडर। नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि दूसरे व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करनी है, लेकिन इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या है, एक इंटेंशन है टू रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम अदर्स। क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट इसमें ज़रूरी है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर क्रिएट्स एन एग्रीमेंट, वेयर एज द एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन इज टू प्रपोज गिव बर्थ टू अ प्रपोजल। साथ ही साथ तीसरी बात आती है इसमें ऑब्लिगेशंस। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज, वेयर एज द एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इन्विटेशन टू प्रपोजल के, जो कि प्रपोजल तो दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो निमंत्रण है, प्रस्ताव का निमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है, दे आर इन्विटेशन टू प्रपोजल। जैसे कि पहला एग्जांपल हम देखते हैं कैटलॉग और द प्राइस लिस्ट हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की। फॉर सेल इज़ नॉट अ प्रपोजल बट एन इन्विटेशन टू प्रपोजल, क्योंकि कैटलॉग देख के व्यक्ति वापस से प्रस्ताव रख सकता है। प्राइस देख करके ज़रूरी नहीं वह हाँ ही करे, ना भी कर सकता है। नो बिजनेस हाउस इज बाउंड टू सेल इट्स गुड्स फॉर द प्राइस स्टेटेड इन इट। सेकेंड आता है एग्जाम्पल अ बैंकर्स कैटलॉग ऑफ चार्जेस इन एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। मेन्यू कार्ड हो सकता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप मेन्यू कार्ड देखते हैं तो वो एक प्रपोजल नहीं है बल्कि इन्विटेशन, निमंत्रण है, वो एक ऑफर का निमंत्रण है कि आप चाहें तो उस मेन्यू कार्ड को देख के जो भी आइटम आप चूज करना चाहें कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह प्राइस टैग्स हो सकते हैं जो कि गुड्स के साथ में अटैच होते हैं, डिस्प्लेड इन एनी शोकेस और शोरूम और सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट्स आर आल्सो एन इनविटेशन टू प्रपोजल। इफ़ द सेल्समैन और द कैशियर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस, द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपेल हिम टू सेल। इफ़ ही वॉन्ट्स टू बाय इट ही मस्ट मेक अ प्रपोजल।
इसी के साथ में और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, एन एडवर्टीजमेंट टू सेल गुड्स एट फिक्स्ड प्राइस इज नॉट अ प्रपोजल बट एन इनविटेशन टू प्रपोजल। फॉर एग्जांपल ए एडवर्टाइज करता है कि उसके शॉप में जो आर्टिकल्स हैं वो हर एक आर्टिकल 50 रुपये में बेचने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो एक बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे तो बेचे चाहे तो नहीं बेचे, बिकॉज एक प्रस्ताव का निमंत्रण है न कि प्रस्ताव है। इसी तरह से जॉब और टेंडर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इफ़ दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब और इन्वाइटिंग टेंडर्स इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। प्रॉस्पेक्टस इन्वाइटिंग पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स इन अ कंपनी इज एन इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर टू बाय शेयर्स। हाउएवर द ऑफर फॉर राइट शेयर्स और फॉर शेयर्स फ्रॉम अ रिजर्व कोटा टू इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर इज एन ऑफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, टाइम टेबल ऑफ अ करियर इज एन इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर। फिर आता है कोटेशन ऑफ प्राइस इन रेस्पॉन्स टू एनी इंक्वायरी इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू रिसीव एन ऑफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल इज मेयरली एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। जो ऑक्शन सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया है वो एक तरह से प्रपोजल नहीं है बल्कि केवल एक निमंत्रण है। देयरफॉर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एन ऑक्शन कैन बी withdrawn without any notice. The persons going to the auction cannot claim for loss of time and expenses if the advertisement for auction is withdrawn. So this was the topic related with the proposal. In next lecture we'll continue with the topic acceptance.